हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कायनात। मैं हूं सायमा, आपकी दोस्त। आज मैं बूंदी बनाने जा रही हूं। उसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। मैंने दो झरने भी रखे हैं, एक बूंदी छानने के लिए और एक बूंदी गिराने के लिए उस कढ़ाई में। उसके मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये जो है झरना, ये मैंने बूंदी सिर्फ छानने के लिए इस्तेमाल किया है। और ये बूंदी सही क्वांटिटी में गिर पाए, अच्छे से शेप के साथ बने, इसलिए। और याद रखिएगा, एक के बाद उसको एक कर यूज़ करने के बाद उसको, मतलब दोबारा से आपको कपड़े में उसको साफ़ कर लेना है या कोई टिश्यू में। उसके बाद फिर बेसन, चीनी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। याद रखिएगा, जितना बेसन है शक्कर भी उतना ही होना चाहिए। अगर 100 ग्राम बेसन है तो 100 ग्राम चीनी भी होनी चाहिए। पानी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से थिक रख सकते हैं। मैं आगे बताने वाली हूँ कि कितना कॉन्शियस डालने वाले। अभी फ़िलहाल मैं कलर ऐड करूँगी, इसलिए मैंने दो जगह पे बेसन निकाला है। एक है वो लाल कलर में और एक है ग्रीन कलर में। अब मैं ऐड करूँगी, देखिएगा कैसे, किस तरह से मैं फ्लफी बना रही हूँ और किस तरह से मैं क्रंची करूँगी। सब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। अब ये मैं कलर ऐड कर रही हूँ। कलर में मैंने ये रेड कलर यूज़ किया है, फूड कलर है। कम क्वांटिटी दीजिए, ज़्यादा कलर खाना अच्छा है नहीं, इसलिए हमने भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। आप भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। शक्कर आप अपने हिसाब से थोड़ा मीठा, जितना आपको पसंद है, डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। देखिए, गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। और ये बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ना कोई भी लम्स नहीं रहे। दोनों ग्रीन वाला कलर और रेड कलर, दोनों में, रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों में एक एक पिंच बेकिंग सोडा और एक एक चम्मच रिफाइन ऑयल, दोनों ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। यूँ कहोगे तो फेंट लेना है, और जितना आप इसे अच्छा फेंट कर देंगे वो उतना अच्छा बनेगा, तैयार होगा हमारा बूंदी। बेकिंग सोडा और तेल का मैं दिखाना भूल गई, वो स्किप हो गया है, पर आप याद से उसे ऐड कीजिएगा। और कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, किस तरह से मैंने किया है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ऑरेंज कलर बिल्कुल तैयार हो गया है और एकदम इसी तरह से गिरना चाहिए ताकि वो झड़ने में भी आसानी से गिरे। ये ग्रीन कलर भी मैंने ऐड जो किया था वो भी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से गिर रहा है। इसी तरह से बूंदी गिरेगा तभी वो दानेदार बनेगा और एक साइज़ का गोल गोल बूंदी तैयार होगा। ये शक्कर को अब हम लोग सीरम बनाने के लिए तैयार करेंगे। पहले हम लोग इसमें रिफाइन ऑयल ऐड कर रहे हैं, और रिफाइन ऑयल ऐड करने के अब हम लोगों ने रिफाइन ऑयल डाल दिया है इसमें। उसके बाद घी ऐड करेंगे, और घी और रिफाइन ऑयल दोनों इसलिए हम लोग मिला रहे हैं ताकि वो हेवी ना हो और हर एज के लोग खा सकें, एज वाले भी और अपने यंग भी। क्या होता है, एज वालों को हज़म नहीं हो, रिफाइन ऑयल सफोला कोल्ड मैंने यूज़ किया है तो वो उसमें अच्छी तैयार होगी। अब ये मैंने सीरम के लिए रख दिया है एक पतीले में। अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से शक्कर एकदम मिक्स हो जाए। उसके बाद मिक्स होने के बाद सीरम बिल्कुल चटचटा हो और एकदम तैयार लगे कि एकदम धीमी फ्लेम पे रखें एक बार उबाल आने के बाद। और ध्यान रहे कि एकदम अच्छे से एक भी दानेदार अभी दिखे ना। देखिए, हमारा दानेदार अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे धीमी आंच पे रख के कि वो अच्छे से सीरम तैयार हो जाए। चटचटा होना चाहिए। चटचटा हो जाने के बाद हमें ये फ्लेम ऑफ कर देना है। और याद रखिए, गरम हल्का गुनगुना हो उसी वक्त गरम बूंदी भी निकाल के इसमें ऐड करनी है। ये देखिए, अब हम लोग बूंदी को तलने के लिए रेडी हैं। ये झरना देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ, हल्के हल्के हिलाते रहेंगे तो बूंदी स्प्रेड होकर पूरा अच्छे से गिरेगी और उससे गोल गोल बूंदी एक साइज़ की तैयार होगी। बस ये देखिए, पहले मैंने ऑरेंज वाला तैयार किया है, बाद में ग्रीन वाला तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से बूंदी गिर रही है। अब हम लोग ये झरने को साइड में रखेंगे और फ्लेम मीडियम फ्लेम पे अभी रखेंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे रख के फिर हम लोग इसको हाई फ्लेम में अच्छे से झरने से हिलाते हुए देख लेंगे। ये देखिए, बूंदी बिल्कुल गोल है, एक भी शेप बिगड़ा नहीं है हमारा। और यह ध्यान रखें कि बूंदी को बराबर से हिला दें, ज़्यादा नहीं चलाना है। दो चार बार ऊपर नीचे करने के बाद क्रंची होने का वेट करें। क्रंची ये आसानी से तुरंत हो जाती है। और ये देखिए, कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और बिल्कुल क्रंची दिख रही है।
बस अब हम लोग इसको इकट्ठा करेंगे धीरे धीरे। हलवाई तो जैसे छानते हैं बूंदी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बूंदी भी उसी तरह से छान ली जाए। और छन आ गई हमारी बूंदी, और छानने के बाद अब हम लोग इसको निकाल लेंगे सेपरेट एक बर्तन में, अलग अलग करना है। ग्रीन वाले को अलग रखना है और ऑरेंज वाले को अलग रखना है। ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला दोनों सीरम में भी बिल्कुल अलग अलग ही डाला जाएगा। ये देखिए, ये ग्रीन वाला मैं डाल रही हूँ, ये देखिए अब ये गिर रहा है, बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा और एकदम इसके कलर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। कलर तो इतना खूबसूरत लग रहा है, कलर वैसे खाना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी चलता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बूंदी बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये ग्रीन वाले ऐड कर दिया है मैंने, अब इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसको सीरम में डालना है। और मेरी बूंदी अगर आपको पसंद आए इसकी रेसिपी तो कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए सीरम बिल्कुल गुनगुना है, और मैं इसमें अब डालूंगी जैसे ही बूंदी निकलेगी एक एक करके। ग्रीन वाला लास्ट में डालूंगी, ऑरेंज वाला पहले डालूंगी, क्योंकि वो एक कलर एक दूसरे में ना हो या फिर कुछ भी, ऐसे तो आना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अलग अलग। और ये देखिए मैंने एक उबाल डाल दिया ताकि जब तक बूंदी निकलेगी तब तक ये गर्म रहेगा। अब देखिए मेरी बूंदी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसे सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो आपको ऑरेंज कलर के थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो ये पहले स्टॉक का है। देखिए मैं इसे अब निकाल रही हूँ, अच्छे से निकाल लीजिएगा, थोड़े बहुत छोटे वाले रह जाते थे कोई वादा नहीं, लेकिन पहले ऊपर के अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए तेल अच्छे से निकाल लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला, ये देखिए। इसके बाद मैं ऑरेंज वाला दिखा रही हूँ आपको, दोनों बिल्कुल रेडी है। अब सीरम भी मेरा भी रेडी है, अब एक एक करके हम दोनों को डालेंगे। पहले मैंने ऑरेंज वाला डाला है, और इसको डालने के बाद 20 मिनट तक इस सीरम में रहने देंगे। और आपको अब लगे कि ये ऑलरेडी सीरम में घुल चुका है, मिक्स हो चुका है, तो वो निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद ग्रीन वाला ऐड कीजिएगा। देखिए ये मेरा रस पी रहा है धीरे धीरे, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ। आप चाहें तो इसको ढक के भी रख सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना टेस्टी तैयार हुआ है। मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।